नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश को लेकर ये ट्वीट साझा किया है। मायावती ने लिखा है कि जयप्रकाश घूम घूम कर चंदा वसूल कर रहे हैं। मायावती, जयप्रकाश बीएसपी से निष्कासित हैं और मायावती मुझे सीएम बनाने के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं। मायावती की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। आपको बता दें, जयप्रकाश पर सीधे तौर पर यहां पर निशाना साधा जा रहा है। जयप्रकाश बीएसपी से निष्कासित हैं, मायावती ने ये ट्वीट कर साफ किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे सीएम बनाने के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। ट्वीट में मायावती ने जबरदस्त खुलासे किए और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जयप्रकाश उन्हें सीएम बनाने के नाम पर चंदा वसूल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जो 3 महीने भी नहीं चल सका शास्त्री सेतु, 4.5 करोड़ रुपए खर्च लगाकर की गई थी मरम्मत, लेकिन इसके बावजूद जो है मरम्मत का काम पूरा नहीं किया जा सका। इसी के साथ ही बताते चले, शास्त्री सेतु नहीं चल सका है। मात्र 3 महीने के अंदर सेतु में आई दरार और शिकायत पर डीएम कराएंगे जांच। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शास्त्री सेतु पर मरम्मत के बावजूद दरार देखने को मिली है, जिसके बाद अब डीएम इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और इसी के साथ ही 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर मरम्मत का कार्य पूरा किया गया था, लेकिन इसके बावजूद शास्त्री सेतु बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शास्त्री सेतु से जुड़ी एक खबर, जहां पर शास्त्री सेतु में दरार मिली है देखने को। और बताते चले, हाल ही में 4.5 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य पूरा किया गया था और मात्र 3 महीने के अंदर सेतु में दरार आ गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब डीएम नए सिरे से जांच शुरू करवाएंगे और शिकायत पर जांच की जाएगी। और इसी के साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कप्तान के आदेश पर इंस्पेक्टर्स में खलबली मच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कप्तान के आदेश पर इंस्पेक्टर में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया ग्रुपों में आदेश की किरकिरी हो रही है, जिसको लेकर 7 इंस्पेक्टर्स को सीईओ रिडार बनाया गया है। कई इंस्पेक्टर करीब 58 साल से कम उम्र के रिडार बने हैं और सस्पेंड किए गए 2 पुलिसकर्मी जल्द ही बहाल कर सीओ रीडर बनेंगे। पसगवां कांड में सस्पेंड हुए थे 2 इंस्पेक्टर, जिसके बाद ये पूरी मामला सामने आया। कई इंस्पेक्टर्स यहां पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और सस्पेंड किए गए 2 इंस्पेक्टर जल्द ही अब बहाल कर सीओ रेडार बनाए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, पसगवां कांड में सस्पेंड हुए थे ये 2 इंस्पेक्टर और अब बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कप्तान के आदेश पर अब इंस्पेक्टर्स में खलबली मच गई है। पुलिस महकमे में खलबली का माहौल है। सोशल मीडिया ग्रुप में आदेश की किरकिरी की जा रही है। केरल के कोझिकोड जिले में इस साल 3 सितंबर को निपा वायरस का एक मामला सामने आया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आज बताया कि निपा वायरस से संक्रमित हुए पीड़ित 12 साल की बच्ची की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है।
पीड़ित लड़के के शरीर से नमूने लिए गए थे, जिन्हें पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया था, जहां उनमें निपाह वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुर्भाग्य से लड़के की सुबह 5 बजे मौत हो गई। बच्चे की हालत कल रात को ही बेहद नाजुक हो गई थी और कल रात को ही कई दल बनाए गए थे और उन्होंने बच्चे के संपर्क में आए लोगों को खोजना भी शुरू कर दिया है। बच्चों के संपर्क में आए लोगों को पृथक करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। साथ ही केरल कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है और ऐसे में पिछले 24 घंटों में 1,69,237 नमूनों की जांच के बाद अब शनिवार को 29,682 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और जांच में पॉजिटिविटी रेट 17.54% दर्ज किया गया है। राज्य में कुल एक्टिव मामले 2,50,065 बने हुए हैं और राज्य में इस दौरान 142 लोगों ने कोविड के कारण दम तोड़ दिया है। कल की बात करें तो कुल मृत्यु दर बढ़कर अब 21,422 हो गई है। और प्रदेश के मुजफ्फरनगर आज किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है, जहां पर GIC ग्राउंड में इस पंचायत का आयोजन किया गया है और पंचायत का समय सुबह 11 बजे से रखा गया है। अलग अलग राज्यों से यहां पर किसान पहुंच रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, वहां से भी कई किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें किसानों ने कई बड़े नेताओं भी शामिल हो जाएंगे और पंचायत को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार और डेंगू के प्रकोप से शनिवार को 11 साल के एक और बच्ची की मौत होने के बाद मृतक की संख्या 51 पहुंच गई है। जिले में डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हालात को काबू करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के दल भी क्षेत्रों से लगातार दौरा कर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जिले में शुक्रवार तक वायरल बुखार और डेंगू से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार शनिवार को फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने वार्डो में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। इसके बाद वो सैलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। साथ ही प्रभावित क्षेत्र अब्बास नगर के असलम नामक एक व्यक्ति के घर पर भी गए, जहां बुखार से पीड़ित उनकी 8 साल की बच्ची हाशमी और 11 साल की जीनत की मौके पर ही बुलाकर एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा ने देर शाम को बातचीत में बताया है कि आज मेडिकल कॉलेज के कई वार्डो में 179 नए मरीज भर्ती किए गए हैं, जबकि 54 मरीजों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर अब उत्तराखंड में 8 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे और 7 महाविद्यालयों का स्नातक स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करते हुए इस तमाम मामले की घोषणा की है। साथ ही आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि मालदेवता खेरी ग्रामीण क्षेत्र में 33 केवी विद्युत घर का निर्माण और आईटी पार्क के पास डांडा लोखंड के 33 केवी विद्युत केंद्र का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश में 8 नए महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और ये देहरादून शहर, हरिद्वार शहर और हल्द्वानी शहर में गदरपुर, उधम सिंह नगर, दानियालमोड़ा, खलजी खाल पौड़ी, खिरसू पौड़ी, देवाल चमोली में बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के 7 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा। इनमें से राजकीय महाविद्यालय मनस्यारी और राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण यानी चमोली का
जो राजकीय महाविद्यालय कपकोट बागेश्वर का और राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, राजकीय महाविद्यालय हल्दीचूड़ नैनीताल में है, जो कि राजकीय महाविद्यालय लक्सर हरिद्वार का और राजकीय महाविद्यालय थैलीसैंण पौड़ी भी शामिल है। रखो दादी की पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा से एक व्यक्ति के लिए जो है जानलेवा साबित हुई है। ब्रेन हैमरेज से इस पीड़ित व्यक्ति को जिला अस्पताल से दून रेफर कर दिया गया था। वहां तक पहुंचने के लिए 3 बार एम्बुलेंस को बदलना पड़ा। किसी तरह से जब वो व्यक्ति देहरादून अस्पताल पहुंचा तो वहां से उसे वापस ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हो पाया और बाद में उसे चंडीगढ़ ले जाया गया। इसी बीच इस शख्स की मौत हो गई है। बिहार के लौरिया गांव निवासी कमलेश शर्मा ज्ञानसू की दुकान में एक ऑपरेटर का काम करता था। दिन में करीब 12:30 बजे वो अचानक से बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तत्काल उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज नहीं हो पाया। साथ ही उसे दून अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा से उसे देहरादून भेजा गया। मरीज को पहले चिन्याली सौड़ और फिर से अलमस और मसूरी के पास 3 बार एम्बुलेंस को बदलना पड़ा है। ऐसे में उसे रात 9 बजे दून अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां से उसे वापस से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया। रात करीब 10:30 बजे पीड़ित को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद चंडीगढ़ उसको लेकर गए, जहां पर इसी दौरान रास्ते में ही शख्स की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक आता देख हर प्रमुख दल वोट बैंक को साधने की अपने अपने तरीके आजमाने में जुटा है। इसी कड़ी में अब प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ आ गई है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके एक खास तबके को रिझाने की कोशिश में जुटे हैं। तो वहीं अब इस पूरे बीच बीजेपी भी कूद पड़ी है और इसी कड़ी में बीजेपी भी अब शामिल हो चुकी है। और ऐसे में आज शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज करेगी। कन्नौज से बीजेपी सांसद शिवप्रांत पाठक इसके प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश भर में न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में, जबकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य कानपुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या और राधमोहन सिंह प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। और अफगानिस्तान में त्राहिमाम मचा है। तालिबान के बाद अब आईएसआईएस खुरासान के डर के साए में अफगान निवासी रहने को मजबूर है। ऐसे में कई देशों के साथ साथ भारत के चेहरे पर भी शिकन की लकीरें आ गई हैं। आगामी दिनों में भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते आखिर होंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है और सभी की निगाहें अब इसी बात पर टिकी हुई है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए मौजूदा हालातों को समझते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर जिस तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ, इसका अंदाजा शायद कई देशों और खुद अफगानिस्तान की सरकार को ही नहीं था। नहीं तो एक दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देशवासियों को वीडियो संदेश से संबोधित करके अगले ही दिन देश छोड़कर यूं नहीं चले जाते। न ही अमेरिका आपात स्थिति में अपने दूतावास को बंद कर लोगों को आनन फानन में यूं बाहर निकालने की कोशिश करता। ऐसे में अफगानिस्तान की गनी सरकार और अमेरिका का साथी भारत भी आज खुद को अजीब स्थिति में फंसा हुआ पा रहा, जहां एक ओर चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते आनन फानन में काबुल से निकलने में लगे हुए हैं। तालिबान को आधिकारिक तौर पर आपको बताते चले भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में खूब सुर्खियों में रही। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जरूर दिया ताकि मामले को तूल देने से रोका जा सके, लेकिन किसे पता था कि 2 महीने में सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा।
काबुल के ताजा हालातों के बीच क्या भारत अब भी वही रणनीति अपनाएगा, यही आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें कि जानकार मानते हैं कि भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधे बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह ये रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता है। भारत में 1999 में IC-814 विमान के अपहरण के बाद और उसके बदले जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को छोड़ने की याद अब भी ताजा है। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का एक और बड़ा कारण ये भी रहा है कि ऐसा करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में खटास आ सकती है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है, लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद भारत क्या करेगा इस पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में सैकड़ों भारतीय पेशेवर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में लगभग 1700 भारतीय हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के अफगानिस्तान छोड़ने की खबरें भी मीडिया में रही। इसके अलावा तकरीबन 130 यात्रियों के साथ एयर इंडिया का एक विमान रविवार को भारत भी लौट आया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की सच्चाई को समझ ले कि अब तालिबान का काबुल पर कब्जा हो चुका है, जल्द ही अफगानिस्तान में वो सत्ता संभालने लगेगा। ऐसे में भारत के पास दो रास्ते बचे हैं, या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे या फिर सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए। भारत दूसरा अपनाता है तो पिछले दो दशक में जो कुछ वहाँ भारत ने किया वो सब खत्म हो जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सभी भारतीयों को वहाँ से निकालने से आगे चलकर भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। आनन फानन में लिए गए किसी भी फैसले से बहुत भला नहीं होने वाला। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त से पहले तक माना जा रहा था कि कोई अंतरिम सरकार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन रविवार के बाद वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल गई। तालिबान के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं दिखाई दिया। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था और भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, उसके बाद भारत ने कांधार विमान अपहरण कांड देखा था। भारत विरोधी गुटों का विस्तार भी भारत ने देखा। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें हर सूरत में अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का भारत ने वादा किया था। वैसे हाल के दिनों में तालिबान की तरफ से भारत विरोधी कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। तालिबान ने अफगानिस्तान के विकास में भारत के रोल को कभी गलत नहीं कहा। तालिबान में एक गुट ऐसा भी है जो भारत के प्रति सहयोग वाला रवैया भी रखता है। जब अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठा था तो पाकिस्तान ने इसे कश्मीर से जोड़ा, लेकिन तालिबान ने कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत कश्मीर में क्या करता है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तक किसी भी बहुत बड़े खून खराबे की खबरें फिलहाल सामने नहीं आई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जरूर जताई गई कि तालिबानी शासन आने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 से थोड़ा अलग होगा, लेकिन तालिबान ने चेहरा बदला है या आईना, इस पर जानकारों की राय बटी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की प्राथमिकता अभी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की होगी, उसके बाद भारत देखेगा कि तालिबान का रवैया आने वाले दिनों में आखिर कैसा दिख रहा है। दुनिया के दूसरे देश तालिबान को कब और कैसे मान्यता देते हैं और तालिबान वैश्विक स्तर पर कैसे अपने लिए जगह बनाता है। भारत तालिबान से तभी बातचीत शुरू कर सकता है जब तालिबान भी बातचीत के लिए राजी हो जाए। मीडिया में तालिबान के बयान और जमीन पर उनकी कार्रवाई में फर्क नहीं होना चाहिए। तालिबान भले ही कह रहा है कि वो किसी से बदला नहीं लेगा, किसी को मारेगा नहीं, लेकिन जिन प्रांतों को रविवार के पहले उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, वहाँ से जो खबरें आई उससे लगता है कि उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी जमीन पर उनका पुराना अवतार ही कायम है। विशेषज्ञ मानते हैं क्योंकि तालिबान को अभी वैश्विक स्वीकारता चाहिए। पिछले दिनों तालिबान के प्रतिनिधि चीन गए थे, वहाँ उन्हें जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दिखना है इससे जुड़ी सलाह मिली होगी, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से शुरुआती संकेत तालिबान के लिए उत्साहजनक नहीं मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति को जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति के जिम्मेदार ठहराया गया, उससे साफ है कि पश्चिमी देश तालिबान को इतनी जल्दी मान्यता नहीं।
रही बात भारत की, तो पड़ोसी देश में जब भी सरकार बदलती है तो भारत उसे बातचीत जरूर करता है। अफगानिस्तान में भी भारत वैसा ही करेगा, लेकिन सही समय आने पर। वो सही समय तब आएगा जब भारत जैसी सोच रखने वाले दूसरे देश भी तालिबान को मान्यता देने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अगर तालिबान 2.0 तालिबान 1.0 जैसा ही हो तो भारत को तालिबान से बातचीत में कोई फायदा नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि तालिबान से बातचीत करने के लिए भारत रूस की मदद ले सकता है ताकि भारत के हितों की सुरक्षा अफगानिस्तान में हो सके। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई पर भी भारत की नजर टिकी हुई है और वे आगे आखिर क्या करने वाले हैं। जानकार मानते हैं कि तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सामने तीन स्तर पर चुनौतियां होंगी। पहली, सुरक्षा से जुड़ी हुई। तालिबान के साथ संबंधित आतंकी गुट जैसे जैश, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क की छवि अब तक भारत विरोधी रही है। दूसरी, मध्य एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के मसले पर दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बताते चलें, अफगानिस्तान की लोकेशन ही कुछ ऐसी है। तीसरी दिक्कत चीन और पाकिस्तान को लेकर आएगी, जो पहले से तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। स्पेशल डेस्क, आरएन न्यूज। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़।